जिन बैठे हो ये तो चाय पी के बोतल मैं जानी चाय बोतल छोतल नहीं चाय से भूख खत्म हो जाएगी बोतल से होगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और भाई आज की फिर सुबह सुबह ड्यूटी लग गई है छोड़ कांड के करा गाड़ी स्टार्ट फिर चाय पीवा फिर कितने चलांगे जिससे छोड़ना होगा। हाय उसके बाद अपन पीनी है चाय ये चाय पी लो चाय भी ठंडी चाहिए कि काम पर जल्दी बिक जाए छोड़न ये अपन ने बस चाय पीनी है उसके बाद अपने चले जाना है काम। चलो जी गाड़ी बाहर का टाइम मेरी रूटीन सारी घर वाले ने ख़राब कर दी है 2 बजे उठने वाला बालक 10 बजे उठा के खड़ा करते हैं। मौसम आज अच्छा हो रहा है बावलपुर में कह रहे बारिश होनी है ठहरना शुरू हो जाए बारिश मसा ख़त्म हुई काटा जी गाड़ी बाहर ही बखो चलो अजय भाई चलो जी पकड़ना गाड़ी बाहर गाड़ी तो जी बाहर काट ली है अपने दरवाजे दरूज है ना दोबारा बंद करा यो काम भी आपे करना पड़ा कोई नहीं उठता। और इसके बाद अपने जाना है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नमेंट ऑफिसर ने छोड़ने की ड्यूटी लग रही है चलो जी चलना छोड़ने A few moments later. ओ जी आ गए अपन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बस ही पापा ने पूरा ब्रेक मार देनी चलो जी एक ड्यूटी अपनी खत्म हो गई है ठीक है और दूसरी पे शुरू होनी है दूसरी गई भी अपने घर जाना है घर जाते हुए ना सामान लेके जाने और ये अपना गाड़ी कर रहे हैं रिवर्स और ये बाबा यार अपन की ड्यूटी बस ये लग रही है आए के पिक एंड ड्रॉप वाले बाकी सारे अपने काम धंधे पे बिक गए ना तो फ्री लांसर ने घर वाले समझे वेले हैं यो नहीं पता रात रात जाग के काम करें लेकिन फिर भी इन्होंने उठा के भेजना है कि चलो जी ये बिस्ना छोड़ आओ बिस्ना छोड़ आओ ये दाल ले आओ ये बालू ले आओ और वही जिंदगी हमारे साथ कर रही है। खैर चल रहा वापसी घर हालत तो होगी है जी फुल ख़राब घर से मैसेज आ गया था सब्जी सुब्जी लेने का तो अपन रुक गए सब्जी की दुकान पर पूरा से अपन सब्जी सुब्जी ले ली है ईब घर चलाएंगे और उसके बाद नाश्ता करना है और चाय फिर पीनी है चाय की तलब बड़ी हो रही है अभी घर चला। लो जी घर अब पहुंच गए हैं ये पापा ने बस अपना गाड़ी से सामान उठाना जो मंगाया और उसके बाद अपन चलेंगे अंदर। चलो जी उतर लो गाड़ी से दो टिका के पड़न लग रही है बावलपुर में भाई जान धूप तो बहुत है कोई दरवाज़ा खोल दे बस A few moments later. आए जी सुबह उठ रहे हैं तो अपने भाई फ्रेंचाइज का भी चक्कर लाना पड़ेगा तो मैं अब्बा जी लेके जा रहा हूँ HMC की फ्रेंचाइज पर जो न्यू परचेज करी दिखाई भी नहीं था सर तो ये बापा उठ चलेंगे गाड़ी स्टार्ट करा अब्बा जी आ जाएंगे फिर कैमरा अपने बंद कर देना तो 2 मिनट पहले ही हूँ गाड़ी दोहराना पड़े अपा जल्दी जल्दी बना लें वीडियो फिर निकला गाड़ी अपन स्टार्ट कर लिया ऐसी चल गया लेकिन पसीने आ रहे हैं गर्मी बड़ी है और मैंने HMC जाना है उसके बाद अब्बा जी के तो वापसी लेकर आना है फिर उसके बाद मैंने एक शादी में भी जाना है भाई दूल्हा तैयार कराना है मैंने बरात है उसकी तो उससे भी पिक करना है फिर भी अपन निकला HMC पहुँचा उससे जल्दी जल्दी फ्री होकर वापसी आवेंगे। चलो जी अपा आ गया फ्रेंचाइज ये पीछे है मेरा
इसकी थोड़ी है बस निकला, उसके बाद अपने जाना है घर, फिर जाना है जी मैंने दूल्हे से लेकर तैयार होना। उस बेचारे की गरीब की शादी है तो जी सबसे दिखाऊं कि फ्रेंचाइज किसी है। जो है फ्रेंचाइज का सेटअप उस साइड पे यूं नहीं जा रहा है, क्योंकि बैठे हैं अब्बा भाई शहजाद उस साइड पे बैठे हैं, तो फिर मैं वीडियोस में उनसे इतना लेके नहीं आता, मैं इस वजह से दिखा भी नहीं रहा। सेटअप माशाल्लाह अच्छा हो गया, सोच रहे हैं कि तो और भी कर लें, फ्रेंचाइज खोलनी तो है और भी, बस ये पूरा सेट निकला हम घर तो आ गए हैं। चलो अंदर, ये अपन ने जाना उसामा की तरफ, ये भी अपन ने जाना है उसामा की तरफ, और उससे फिर लेके जाना पार्लर, उससे तैयार कराना। मैंने आप तीन दिन से कपड़े चेंज नहीं करे ना, आके फिर मैं पहन रहा हूँ, तो हाल अपना ही भी ख़राब, क्योंकि घर आए हैं लेकिन फिर जाना है, पानी पी के चला। बस यार मुँह आता पाना धो लिया, इतने मसरूफ है आज तारा भाई देख रहे हो, क्योंकि घर इंटर बाद फिर बंद करके फिर जाना करना, क्योंकि अपने दूल्हे तैयार कराने आज भाई, दूल्हा तैयार कराना है, दूल्हा तैयार कराना है, फिर अपना बैठा गाड़ी में उससे घर से पिक करना, और उसके बाद अपन ने फिर जाना है किसी सैलून से। दूल्हा ऐसा है कि बुलाया वलीमे पे है, काम सारे कराने हैं, इसे आराम खोर दोस्त पैदा हो रहे हैं, समझ रहे हो, इसे दोस्तान से वक्ती किनारा कर लो तो बेहतर है, ठीक है। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखो अच्छे से, तो गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं ना पहाड़ी से, फिर बाद में मिला घर से पहुँच के। शक्ल तो उसकी नहीं है तैयार होने वाली, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करा लें, कि छोरी डर के ना भाज जाए। आज 20 तारीख है, आज उसकी बारात है, 21 का वलीमा है शायद ना, तो कि बाबा उसने ठामा घर से बस पहुँच चुनाने। यो सोसाइटी है जी दूल्हे की, दूल्हे के बाप की है, तो बाप खुद घर लेकर रह रहे हैं, तो यो रोड है आगे, शामियाने ला रखे हैं अरे रोड के बीच में है, ये बस है, ये पता नहीं क्या इंतजाम है, मन नहीं लगता उनका होगा क्योंकि उनका घर आगे है। लो जी वह कोने वाला घर है दूल्हे का, दूल्हे के देखा कौन कौन खड़े है, बार उसका अब्बा सामने खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, अब पहुंच गया बस बुलावा उसने, फिर दूल्हा हमारा आ गया जी। यो 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 बंदा दूल्हा है, कद में मेरे से डबल, दूल्हा लग नहीं रहा बिल्कुल भी, नहीं पैर रखे चोरी बड़ा बड़ा है, यो दूल्हा है जी। अपन है ना सिर्फ गाड़ी में मंगवाया है पानी, बार बार चल रही है, लेकिन मैंने क्या जी हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में, हमने नहीं ज़रूरत फॉर्मेलिटीज की, पूरा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मैं कहा हम अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे एसी ऑन करके ना, तो मैं कहा गाड़ी ठंडी भी रहेगी तो भी सही से पहुँच जाएगा, तब अपने सिर्फ मंगवाया पानी और अपना पानी पी के फिर जाना। यो बैठ गया जी बस, अब निकला कितने ना कितने जाके इसकी डेंटिंग पेंटिंग करावा, ताकि बंदा शादी के लायक हो जाए, छोरी वाले देख लें इसने, बस निकला गया। चलो जी निकल लिए हम, हाँ जी तो मैंने गाड़ी साइड पर पार्क कर दी है, और चला गया सलून में, ये पूरा ना अंदर चला, अंदर जाके देखा के सीन है, बैठ गया दूल्हा, पूरा मुरम्मत होनी है इसके। जी इस बंदे की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई, नंगा करके बिठा दिया यार कुर्सी पर, यहाँ का मैल शैल उतरेगा अब सारा हो रहा सर। मेहंदी की तैयारियाँ चल रही हैं और अजीब सा जीन बन रहा है, मन नहीं समझ आ रहा क्या बन रहा है, जिस तरह बंदे का प्लस्तर हो जाए ना हाथ पाँव टूटने के बाद, बस अब हम वेट करें इसका, 3 से 4 घंटे तो पक्के हैं लगेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा थोड़ा मेकअप होगा, मेहंदी आज इसकी मेहंदी मतलब लगे बरात है, लेकिन आज इसकी है मेहंदी, तो ये भी इसकी तैयारियाँ चल रही है, रगड़ाई रगड़ाई हो रही है, इस तरह मार्बल की रगड़ाई हो उस तरह होने लग रही है, जिन बैठे हो ये तो
मैं जानी चाय बोतल छोतल नहीं, चाय से भूख खत्म हो जाएगी, बोतल से होगी नहीं। चाय आ गई अपनी, दूल्हा बेचारा बैठा नंगा, दूल्हे ने कपड़े नसीब होने नंग तड़ंग करके बिठा रखा है, कोई चौथी बार इसके मुंह की लिपाई हुई है, असल लग रहा है बगैर जी नंगा पंगा यो ऊपर जा रहा है मुँह अच्छा दो बंदे ने ना बहुत तैयारी करी है बेचारे ने, मेहंदी वास्ता इसने मेहंदी पे बड़ा टाइम दे रहा है, ऊपर ही जा रहा है, देखा ऊपर की करेगा, जाके नावे जावेगा की करेगा मुँह धो ऊपर तो भाई बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं वो उतना ऊपर में खड़ा है, कह रही हो बहुत अच्छा वॉश कर लो उसके बाद आप वापसी आ गए हैं नीचे, अरे भाई मैं ना उस्मान ड्रामा देखने लग रहे हैं उन्हें बैठ के टाइम अपना यूज आया कर रहे हैं, इतने चिट्टे लोशन लगा के फिर काला हो गया है अरे छोरा। उसामा की चल रही है जी भाई डेंटिंग पेंटिंग, असर का टाइम हो गया, मैं कितना नमाज पढ़ लूँगा नेड़े जा तो मस ही चलना यार कि फिर वापसी आवा, बैठे बैठे हूँ भी थक गए एक जगह, चलो छोटी सी एक बाजार में मस्जिद है तो पूरा पा गया नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ के फिर चला, नमाज है पानी जी पढ़ ली, जाके गाड़ी स्टार्ट करा क्योंकि उसका काम जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो भाई भाई जा रहे हैं मस्जिद से बाहर अभी अंदर है मस्जिद के, तो इतना मैं गाड़ी स्टार्ट करके ले आऊँ, जो उसकी डेंटिंग पेंटिंग थी ना वो हो गई है कम्प्लीट, पापा गाड़ी स्टार्ट करा ताकि उसने घर फेंका, दुल्हे ने उसकी मेहंदी है तो फैमिली के लिए मेहंदी करेगा, अब ऑफिस का नहीं निकल लेंगे काम कुम कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो भी पापा चल रहा गाड़ी का गाड़ी तो भाई फुल तपी पड़ी है, जल्दी जल्दी ब्लोअर ऑन करा तो थोड़ी देर बाहर खड़े हुए यार, ये निकला है बस निकला है इसकी बस निकलेगी उसके बाद अब चलाएंगे, असल में धूप में खड़ी रही है हम शॉप जो है सैलून उसमें बैठे रहे, नमाज पढ़ रहा है, एसी थोड़ा सा चाल जाएगा ठंडी हो जाएगी गाड़ी, आ गई भी ठंडी है वो आ गई, बैठो गाड़ी में, दूल्हा ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है कंप्लीट, ये नाया तो ऐसा लग रहा है ये वापस चला जी घर, सुबह से जी हमने कुछ नहीं खा रखा, इसने भी नहीं और मुन्ने भी नहीं, कि वे जाके कुछ खा पी भी लेवांगे घर, कि वे सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना वह यो है कि अब घर चलें, आओ जी दूल्हा साहब अपना शादी का फ्रेम ठा रहा है, फ्रेम तो दिखा, फ्रेम भी अभी प्रिंट हाय हाय, इस पर इसने जी अपना निकाह नामा लिखाना है कि छोरी इसने ले ली है जाती तौर पर साइन कर देगा, ये अगर मैं बाजार से बना बनाया लेता तो मुझे मिल रहा था ये रियाद के साथ 6000 रुपए, इसने कितने का दिया, ये मैंने 300 का प्रिंट करवा लिया है, ओह यार 400-500 का फ्रेम आएगा, मजे की बात, ये देख लो जी शादी करो सस्ते तरीके से, जो मुझे 6000 रुपए में किसी अपने से मिल रहा था, उसने कहा आपके लिए, आपके लिए बस, वो इसने कहा ना शादी है तो बस फिर चिपका दो खुला खर्चा करेगा, मैंने कहा चलो कुछ तो बचाए, अच्छा भाई 1000 में पूरा बढ़ जाएगा तेरा निकाह नामे का फ्रेम, ईब जी हम जाने लग रहे हैं अपने घर, दूल्हे की ना मेहंदी के फंक्शन पर पहुंच गए हैं, पीछे इंतजाम देख रहे हैं, इंतजाम चल रहे हैं सारे, हाय हाय आवाम लग रही है काम पे यार, उन्हें ना सारे सेटअप स्टार्ट करने हैं, है सारे फैमिली फंक्शन, अपन तो जाना है भी ऑफिस, ये है इस बंदे की जो आगे जा रहे हैं ना इसकी सेटिंग मेहंदी का फंक्शन की, अच्छा है जितनी पुरानी छतरी थी ना घर की पूरा लादी सारी, चलो जी सेटअप सूटअप अपन ने विजिट कर लिया, इसने सामने घर वो छोड़ा बस, आ जा कुछ छोड़ के फिर निकलेंगे यार, दूल्हे सामने कहते हैं जा, उस बेचारे ने फिर जाके बैठना है नहाना धोना है, 8 बजे उसकी मेहंदी है, फंक्शन सारा फैमिली का है, तो अपन निकलेंगे उधर से, अपन यार ऑफिस भी जाना है, अपन ने माजरत कर ली है, तो अगर होंदा ना पहले का तो फिर कर लेते, सुबह से लग रहे हैं अपा, तो ये अपने क्या करना है जी, सिर्फ घर जाना है, घर से अपने मुँह हाथ धोके चाय शाय पी के, वैसे सुबह से मैं 3-4 बार चाय पी चुका, तो उसके बाद ऑफिस निकलेंगे यार, ऑफिस बड़ा ज़रूरी है, हमारी एक कल क्लास भी लगी थी डोमेन हेड की तरफ से कि ऑफिस नहीं आ रहे टाइम पर, आज भी लेट हूँ लेकिन मैंने उस पर ना इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं लेट आऊँगा, तो ई पापा थक गए चला घर, पापा पहुँच गए हैं
उतना, और बच्चे साइड में क्रिकेट खेलने लग रहे हैं, तो मैंने गाड़ी पीछे करके लानी पड़ी है कि तुम्हें बॉल ना मार दें यार। यार चला हाँ, चाय शाय पी लें यार, मन तो कुछ भी नहीं, नहीं लगी। चलो घर इंटर हो गया आपा, इतनी गंदी हालत हो रही है, थके पड़े हैं, जाके ना कुछ फ्रेश हो। A few moments later. आपा फ्रेश हो लिया, फुल थकान अपनी उतर गई है, और खाना खुना अपने पे हाँ खा लिया, चाय भी पी ली, सारा कुछ कर लिया। हाँ जी, तो आज का व्लॉग करेंगे पूरा एंड, क्योंकि मैंने ऑफिस नहीं जाना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे। दुआ में याद रखो, चैनल ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।